हाय एवरीवन आज हम लोग सेंटर ऑफ मास का ये क्वेश्चन देखने वाले हैं तो वीडियो पॉज करके आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लें तो बेसिकली इसमें हम थ्री कॉन्सेप्टी थियोर सेकेंड वन इज सेंटर ऑफ मास फ्रेम थर्ड वन इज मोमेंटम कंजर्वेशन दमें इस क्वेश्चन में जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो इस तरह से इस डायग्राम में आपको दिख रहा है एक रिंग है जो की एक स्ट्रिंग से इस तरह से फंसी हुई है एंड रिंग से कनेक्टेड एक वायर है जिसमें कि एक 3m मास का पार्टिकल कनेक्टेड है रिंग को मैंने वी नॉट वेलोसिटी दे दी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अब मैक्सिमम एंगल बताना है जो कि ये पार्टिकल बनाएगा विद द वर्टिकल राइट तो देखते हैं मैक्सिमम एंगल कब बनाएगा सपोज ये हमारा स्ट्रिंग है एंड ये हमारा वायर है तो ये मैक्सिमम एंगल कब बनाएगा ये थीटा मैक्सिमम कब होगा ओके okay. तो क्या हम देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पे एक ऑब्जर्वर हम बिठा दें रिंग के ऊपर तो अगर इसकी वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में हुई तो थीटा कम या ज़्यादा होगा सिमिलरली अगर इसकी वेलोसिटी हॉर्जेंटल डायरेक्शन में भी हुई तो भी थीटा चेंज होगा मतलब कि रिंग के रेस्पेक्ट में इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए जीरो अगर हमें थीटा मैक्सिमम चाहिए तो जब थीटा मैक्सिमम होगा तब रिंग के रेस्पेक्ट में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो अब रिंग के वेलोसिटी में पार्टिकल के वेलोसिटी का जीरो होने का क्या मतलब हुआ मतलब ये हुआ कि दोनों की वेलोसिटी सेम हो गई वेरी सिंपल रिलेटिव में मोशन में हमने देखा है राइट right. तो जब इन दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी v' एंड v' तब थीटा क्या हो जाएगा मैक्सिमम ओके okay, अब हमें विडा की वैल्यू निकालनी है वीडास कौन से इंसिडेंट में वेलोसिटी है जब दोनों की वेलोसिटी क्या हो गई इक्वल इक्वल हमने क्यों किया क्योंकि रिंग के रिस्पेक्ट में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो जानी चाहिए जीरो जीरो क्यों होनी चाहिए क्योंकि हमें थीटा क्या चाहिए मैक्सिमम अगर इसकी वेलोसिटी होगी दैट मीन्स थीटा कम या ज्यादा होगा ओके okay, तो अब यहाँ पे क्या हॉरिजेंटल डायरेक्शन में कोई भी फोर्स लग रहा है आउटसाइड फोर्स दो इंडिविजुअली दोनों पे लग रहा है अगर मैं रिंग को देखूँ तो रिंग जब हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जा रहा है तो बैकवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे एक टेंशन फोर्स लग रहा है एंड इस पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में टेंशन फोर्स लग रहा है तो टेंशन फोर्स का ये कंपोनेंट तो रिंग की वेलोसिटी को कम करेगा एंड टेंशन फोर्स का ये वाला कंपोनेंट पार्टिकल की वेलोसिटी को बढ़ाएगा बट द नेट हॉरिजेंटल फोर्स हेयर इज जीरो नेट हॉरिजेंटल फोर्स इज जीरो ओके हॉर्जेंटल फोर्स नेट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो क्या हॉर्जेंटल डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं कर सकते हैं जिस भी डायरेक्शन में नेट फोर्स जीरो हो जाए सिस्टम पे उस डायरेक्शन में मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं तो इसका मास क्या है एम एंड इसका मास क्या है थ्री एम ठीक है तो ये हमारा फाइनल मोमेंटम ये हमारा इनिशियल मोमेंटम तो इनिशियली मोमेंटम क्या है हमारा एम इंटू वी नॉट एंड फाइनली मोमेंटम क्या है फोर एम इंटू वी डैश तो दोनों को हम क्या कर देंगे 4m v' को m into v नेट के इक्वल कर दिया क्योंकि हॉरिजॉन्टल एक्शन में कोई भी नेट फोर्स नहीं है ओके okay? तो v' यहां से हमें मिल गया v0 by 4 वेरी सिंपल नाउ अब ये कितना हाइट ऊपर गया h हाइट एंड ये क्या है हमारा l एंड ये हमारा क्या हो गया l cos थीटा एंड ये पूरा लेंथ कितना था जब ये नीचे था तो l एच को हम क्या लिख सकते हैं एल माइनस एल कॉस थीटा लिख सकते हैं ओके okay? तो यहां से हमारे पास एच इक्व टू क्या आ गया एल इंटू वन माइनस कॉस थीटा वेरी सिंपल अब यहाँ पे हम सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंटम कंजर्वेशन सेंटर ऑफ मास फ्रेम एंड मोमेंटम कंजर्वेशन दोनों कॉन्सेप्ट को यूज कर चुके हैं अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम का यूज करेंगे टू फाइंड आउट द थीटा ओके नाउ यहाँ पे हमें हाइट पता है क्या है एल इंटू वन माइनस थीटा ओके तो हम क्या करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ग्रेविटी दैट इज माइनस ऑफ थ्री एम इंटू जी इंटू एच वो पार्टिकल का मास कितना है थ्री एम ओके नाउ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को हम क्या लिखेंगे फाइनल माइनस इनिशियल फाइनल कितना है हमारा हाफ इंटू फोर एम दोनों का सेम ही है तो यहाँ पे मैंने दोनों को कॉमन ले लिया वेलोसिटी क्या है दोनों का सेम है हमने क्या लिखा वी नॉट बाई फोर का होल स्क्वायर ये हमारा फाइनल है माइनस इनिशियल क्या लिखेंगे हाफ एम इंटू वी नॉट स्क्वायर इक्व टू नेगेटिव ऑफ थ्री एम जी एच ओके अब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा एम वी नॉट बाई एट आ जाएगा इसको सॉल्व कर लेंगे एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई एट माइनस हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इक्वस टू माइनस ऑफ थ्री एम जी एच ये क्या हो जाएगा फोर बाई एट तो ये क्या हो जाएगा थ्री बाई एट एम वी नॉट स्क्वायर इक्वस टू माइनस ऑफ थ्री एम जी एच थ्री से 3 एम हमारा कट जाएगा ओके अब यहाँ पे h की वैल्यू हम डाल देंगे l इंटू वन माइनस कॉश ठीटा ओके okay, तो हमारे पास क्या आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये थ्री एंड थ्री हमारा कट चुका है तो ये क्या आ जाएगा एट जी इक्वल्स टू एल इंटू वन माइनस कॉश हम जैसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे हमारे पास कॉश टीटा की वैल्यू क्या 10. आ जाएगी दस है ना तो ये हमारा क्या आ जाएगा मैक्सिमम थीटा वेरी सिंपल आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो गया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बाय फॉर नाउ।